अंदर ताल पे ले लो हेलो हो गया एक मिनट यहां पे मैडम यहां पे रुकिए प्लीज मतलब इन टेक का पिक्चर है बोलो पिक्चर है एक मिनट दादा एक मिनट और Wait, माइक नीचे रखो सब लोग थोड़ा देना माइक नीचे बी वाला कौन है भाई एक जगह भी मत लगा देना लेकिन कुछ अटायर के बारे में जानना चाहेंगे जो थैंक्स जी आपकी अपकमिंग फिल्म भी है नानी की जान कैसे हम प्रमोट करते हैं आपको देखेंगे या कुछ उसके बारे में जरा बताइए क्या स्टेटस है 20 तारीख को हमारी फिल्म आ रही है उसमें मैं और अभय है बड़ी क्वर्की हॉरर कॉमेडी है और हम एक्चुअली अभी प्रमोट करना हमने शुरू कर दिया है पर आई थिंक बॉम्बे में कल से होगा हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई होप सबको पसंद आए कैसा रहा एक्सपीरियंस आप है अभय देओल जी बड़ा मज़ा आया अभय के साथ काम करके भी बड़ा मज़ा आया बिकॉज मैं उनके काम को हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इस आदमी के साथ काम करना है और जब मुझे मौका मिला तो ऑफ कोर्स आई वाज रियली हैप्पी थैंक यू सो मच सर लेट में आप मैम लेट में मैम लेट में यहाँ पे सर थोड़ा नजदीक गई सर राइट में सर लेट में सर सर लेट में सोलो भी लेना थैंक यू अरे इतना स्मार्ट अंदर हाथ में लिया है तो थोड़ी चले हो गया तो वाइट फिल्म चले संजू सर इंडिविजुअल कर लो देखिए कोई भी रिकग्निशन कोई भी हो सबको अच्छी लगती है किसी तरह के कोई भी चाहे आप छोटे बच्चे हैं बड़े हैं कितनी भी उम्र हो जाए और उसमें जब आप जहाँ के हैं जिस मिट्टी के आप हैं जब वहाँ के लोग आपको अवार्ड करें रिवॉर्ड करें रिकग्नाइज करें तो और ज़्यादा अच्छा लगता है आपको लगता है कि आपके जो अपने हैं नहीं तो नॉर्मली क्या होता है लोग कहते हैं कि लोग अपनों को ही नहीं समझ पाते हैं तो जब अपने लोग आपको इस तरह से सराहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ठीक है जी थैंक यू देखो जी पंजाब मेरे दिल च है जिथे भी जाना पंजाब मेरे नाल जाना दिल के अंदर जिथे भी जाना पंजाबी मिलते हैं तो जिहड़ा अवार्ड अपने बंदियां तो मिलता है वो सब तो सोहना लगता है इसलिए मैं बहुत खुश हैगा कि मैं इतने बुलाया गया अवार्ड दे रहे हैं तो मेरे हिसाब न जो भी पंजाबीयत मेरे अंदर हैगी है वो हमेशा दुनिया च मेरे नाल रही है तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हाँ कि इन्होंने मैंने ऑनर किया है और आई थैंक सतपुर साहब आई थैंक पंजाबी सोसाइटी हेलो सर सर थोड़ा लेफ्ट में लाइट है अबे से यहां पे अबे तो सामने अबे तो सामने अबे जी सर इस तरफ अबे से यहां पे जा तो ले ले फिर आ ले
आई गेस एक्साइटमेंट है सबसे मिलने को, एक फुर्सत मिलती है, वी कैन गेट टुगेदर एंड सेलिब्रेट, और एक बहुत बड़ा ऑनर है कि मुझे मेरी कम्युनिटी जो है जहाँ से मेरे एंसेस्टर्स हैं वो मुझे एक आइकॉन का अवार्ड दे रहे हैं। बस टू गेट सी लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मीट लॉट्स ऑफ पीपल, हैव अ गुड टाइम। हाँ, मेरी फिल्म रिलीज हो रही है नानो की जानू, 20 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है, और उसी के प्रमोशंस में लगा रहा हूँ मैं पिछले कुछ एक महीने से, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और होपफुली लोगों को पसंद आएगी। बहुत ही अमेजिंग था वो, बहुत स्वीट है वो, बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत मेहनती है, टैलेंट है उसमें, और उसके साथ काम करके इट वॉज अ प्लेजर। मैनू पंजाबी इन्नी अच्छी आंदी नहीं है मैं बॉम्बे का हूँ। थैंक यू। आज के इवेंट में पहली बार आ रही हूँ टू दिस फंक्शन, और पंजाब में हमारा ये काफ़ी होते हैं लाइक आइकन अवार्ड्स एंड यू नो काफ़ी अवार्ड फंक्शंस हैं, सब बॉम्बे में पहली बार मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि यहाँ भी यू नो ऐसे फंक्शंस होते हैं और ऐसा कल्चर है यहाँ पर, सो एक्साइटेड। मैम पंजाबी में अगर आप बोल पाए आज के इवेंट में क्या होने, मतलब आपको क्या उम्मीद है आज के इवेंट से? मैंने लगता है पंजाबी में बोलूँ कि हिंदी में बोलूँ? पंजाबी में बोलूँ। ओके ठीक है। सो मैंने लगता है कि जो असी पंजाब विच हमेशा कोशिश करी दी आ पूरी इंडस्ट्री नू कठिया करन दी, कल्चर नू दिखाउन दी, आई थिंक शायद यू नो वही आई होप के इत्थे भी होवेगा। हाँ जी, थैंक यू। सर जी वेट सर 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 वेट 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 सर वेट जरा पाछे उठो ना फॉलो करो चलो हां लो लो सर जी यहां पे सर राइट में सर हड़ी इधर इधर सर जी यहां पे सर राइट में एक बार अंदर अंदर सर राइट जा 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 हड़ी हड़ी रेडी रखो चलो सब इधर सर जी सर लेट इधर आओ नहीं पता है कि कुछ अवार्ड से निवाजा जाएगा, बट येस आई एम वेरी मच एक्साइटेड। बॉम्बे में आई एम परफॉर्मिंग फॉर थर्ड टाइम नाउ, फोर्थ टाइम एक्चुअली, और सारी सिख कम्युनिटी इज देयर एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड। लेट्स सी सर आज के इस इवेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वही सेम कहना चाहूँगा, बहुत एक्साइटेड हूँ कि परफॉर्म कर रहा हूँ मुंबई में, दिस इज द फोर्थ टाइम। लेट्स सी, बहुत मैसेजेस बहुत आए हैं सोशल मीडिया पे, पीपल आर वेटिंग एंड लेट्स सी आई एम एक्साइटेड। ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन होती है जब आप इस तरह के इवेंट पर प्रेजेंट होते हैं तो खास करके कोई एक्सपेक्टेशन होती है आपकी? एक्सपेक्टेशंस मैं ज़्यादा ऐसे नहीं होता कि ऐसे ऐसे एक्सपेक्ट होना चाहिए, मुझे होता है कि ऑडियंस जितनी भी हो, चाहे 10 हो चाहे 15 हो चाहे 1500 हो चाहे 15000 हो, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। एक गाना आप गाना चाहेंगे आज की शाम आपके फैंस के लिए? मेरा लेटेस्ट गाना कुड़ी मैनू कहंदी मैनू जुत्ती लै दे सोहणिया, मैं कहना गोरीए ना 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 गोरीए, कन चुमके नू तरस दे रह गए सोहणिया, मैं कहना गोरीए ना 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 गोरीए। ये पंजाबी में बोलना है या हिंदी में? जी आज यहाँ पंजाबी आइकॉन अवार्ड में मेरी एक परफॉर्मेंस है, सो ऑब्वियसली ये कॉमेडी परफॉर्मेंस है ये मेरी, तो बस परफॉर्म करेंगे अभी थोड़ी देर में।
अभी अंदर प्रोग्राम चल रहा है। आज की शाम से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप? आज की शाम बिल्कुल वैसे ही अंधेरा होगा थोड़ी देर में, फिर रात पड़ जाएगी। तो पंजाबी आइकन अवार्ड है, और सबसे बड़ी बात ये है कि बॉम्बे में यहाँ पहली बार में मैं पंजाबी में परफॉर्म कर रहा हूँ। ये तो पंजाब में हमेशा पंजाबी में परफॉर्म करते हैं, तो ये एक अलग तरह का, मेरी ये माँ बोली है बेसिकली, मेरी मदर टंग है पंजाबी। तो मुझे खुद को बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि मैं जितने भी मेरी हमारी जो कम्युनिटी है, पंजाबी कम्युनिटी है, उसको जाकर मैं हंसाने जा रहा हूँ। सो आई एम फीलिंग वेरी गुड। जी 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 जी, ऑब्वियसली बैसाखी का सेलिब्रेशन है, तो मैं जो मेरा काम है मैं वही करूँगा। कनक तो मैंने, गेहूँ तो काटना नहीं मैंने इधर। तो आगे परफॉर्म, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी जी जी, मैं अभी आया बस अभी।